जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। रॉयल इनफील्ड की एक और बाइक में आग लगने की वीडियो सामने आ चुकी है और दोस्तों सारी बात करेंगे इसके बारे में। कौन सी ये बाइक है सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है और किस तरीके से इन चीज़ों से बचा जा सकता है। कुछ ऐसी भी लोगों के दिमाग में बातें आ रही हैं कि भाई शायद ये जो साउथ इंडिया जो हमारा नीचे के साइड, क्योंकि ज़्यादा थोड़ी गर्मी रहती है, इसकी वजह से ज़्यादातर जो हादसे हो रहे हैं इस तरह के सिर्फ वहाँ पे ही हो सकते हैं, वहाँ पे ही हो रहे हैं, तो वो उसका रीज़न है शायद गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि शायद ये मीटियोर है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि मीटियोर बाइक नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि बाइक कौन सी है। ये बाइक आपको शायद पता होगा कौन सी है, ये रॉयल इनफील्ड की थंडरबर्ड 350X है, जिसमें कि वही पुराना इंजन आता था जो कि अभी आपको बुलेट में और बुलेट 350 इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाली बाइक में देखने को मिलेगा। मतलब UCE टाइप का इंजन इसमें आता है, इसलिए मैंने बोला था कि अच्छी बात है कि ये मीटियोर नहीं है, क्योंकि जे सीरीज़ के किसी भी इंजन में इस तरह की घटना मैंने नहीं देखी है और मैं चाहता हूं कि आगे इस तरह की कोई वीडियो या न्यूज़ मेरे सामने आए बिना कि जे सीरीज़ के इंजन के साथ में कोई हादसा सुनने को या देखने को मिले। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात तो ये है कि जितने भी हादसे हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक जितनी भी वीडियोस आई हैं सब में आप एक चीज़ कॉमन देखोगे कि सब UCE इंजन के साथ में हो रहा है। दूसरी बात जो दोस्तों लोगों के दिमाग में चल रही है कि क्योंकि जो चेन्नई है, तमिलनाडु है, केरला है, यहाँ पर थोड़ी गर्मी ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से शायद ज़्यादातर जो हादसे देखने को मिल रहे हैं, लगभग 95% जितनी वीडियोज़ आई हैं सब उसी तरफ से आई हैं और वहीं पर ऐसा हो रहा है ज़्यादा गर्मी होने की वजह से। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पर मैं रहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में, यहाँ पर नॉर्मली आज की तारीख में आपको बता देता हूँ 43 से 45 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल चला जाता है, और केरला में, तमिलनाडु में, चेन्नई में इतना टेम्परेचर भी नहीं होता। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है इस वजह से ऐसा हो रहा है। तीसरी जो चीज़ है जिस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है वो क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको जैसे कि मैंने एक वीडियो में पहले बताया था कि लॉन्ग राइड नहीं करनी है, मैक्सिमम 80-90 किलोमीटर आप राइड करिए, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करिए, थोड़ा सा बाइक को भी अपना थोड़ा टाइम दीजिए, लगातार राइड नहीं करनी आपको, इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। और एक चीज़ आपको एक साथ में और ध्यान रखनी है, अगर आपके जो बाइक है उसके इंजन के आसपास कोई वायर है, उसमें कोई कट लग रहा है या कोई वायर जो है मेल्ट हो रही है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, लगातार राइड नहीं करनी है बाइक को। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इस समय और गर्मी में पहले ही बड़ा इंजन है वो बहुत ज़्यादा हीट होता है, ठीक है ना। अब इंजन तो हीट होना शुरू हो जाता है 2-3 किलोमीटर चलने के बाद ही, लेकिन मैसिव अगर हीट हो रहा है तो उसका ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें कि मैंने आपको बताया कि क्या रीज़न हो सकते हैं, और दोस्तों ये UCE इंजन के साथ में ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, अपना ध्यान रखिएगा इस मामले में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मैटर है। आज की वीडियो यहीं तक थी, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगती हो मेरी। जय हिंद, टेक केयर।